हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसजीटी एजुकेशन में। आज हम 10 एरिया के फॉर्मूले देखने वाले हैं। तो पहला फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। अब ये डायग्राम में देख सकते हैं ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें बेसी क्या है, बेस है और रेडियस का हाइट है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी सी। बी सी क्या है, इसका बेस, और ए डी क्या है, इसका हाइट। नाउ सेकेंड फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो डायग्राम में देखते हैं पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है और इसका लेंथ हमने लिया है क्यू आर। आप पी एस भी ले सकते हैं क्योंकि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड क्या होता है, सेम। और ब्रेथ क्या लिया है मैंने, पी क्यू। आप एस आर भी ले सकते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज इक्वल टू लेंथ मैंने लिया है क्यू आर और ब्रेथ क्या लिया है, पी क्यू। इसलिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज इक्वल टू क्यू आर इंटू पी क्यू। नाउ थर्ड फॉर्मूला हम देखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। तो डायग्राम में देखते हैं पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है। आप जानते हैं स्क्वायर के चारों साइड क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। मैंने पी क्यू लिया हुआ है, आप कोई भी साइड ले सकते हैं क्योंकि सबका वैल्यू क्या होता है, सेम। नाउ फोर्थ फॉर्मूला है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड मेकिंग राइट एंगल। वापस पढ़ता हूँ, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड मेकिंग राइट एंगल। मतलब अभी आप डायग्राम में देखिए ए बी सी एक अपना राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। यहाँ डायग्राम में देखेंगे एंगल ए बी सी आपका 90 डिग्री है। तो यह जो एंगल ए बी सी है, यह एंगल किन दो साइड से फॉर्म हुआ है, एक साइड है उसका ए बी और एक साइड उसका क्या है, बी सी। और हमारे फॉर्मूले में भी ऐसे ही है, प्रोडक्ट ऑफ साइड मेकिंग राइट एंगल मतलब ए बी इंटू बी सी। नीचे देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी। ए बी इंटू बी सी क्यों, यही दोनों साइड है जो राइट एंगल को फॉर्म कर रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं। फॉर्मूला नंबर फिफ्थ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। नाउ डायग्राम में देखिए ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसका बेस है बी सी और इसकी हाइट क्या है, ए ई। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू बेस बी सी, हाइट ए ई। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला एरिया ऑफ रॉम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स। डायग्राम में देखते हैं ए बी सी डी एक रॉम्बस है, इसके डायगोनल कौन कौन से, ए सी इंटू बी डी, सॉरी इसके डायगोनल है ए सी एंड बी डी। तो इस फॉर्मूले की वजह से एरिया देखते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू हाफ इंटू पहला डायगोनल है ए सी और दूसरा डायगोनल क्या है, बी डी। यानी रॉम्बस का एरिया निकालने के लिए उसके डायगोनल को मल्टीप्लाई करके हाफ से डिवाइड कर देंगे, आपको उसका एरिया मिल जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। अब डायग्राम में देखिए ए बी सी डी आपका एक ट्रेपेजियम है, इसके पैरेलल साइड कौन से है, ए बी पैरेलल किसके हैं, डी सी के, ये इसका पैरेलल साइड है। तो इसके हिसाब से और हाइट में आप कोई भी ले सकते हैं, या तो आप ए पी कंसिडर कीजिए या तो बी क्यू। तो मैंने अभी एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल या एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी प्लस डी सी। ए बी प्लस मैंने डी सी क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में देखिए सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड कौन है, ए बी और डी सी, उनका सम इंटू हाइट। तो हाइट में मैंने क्या लिया है, ए पी। आप बी क्यू भी ले सकते हैं क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच का, दो पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल जो लाइंस होते हैं उनके बीच का हाइट क्या होता है, ऑलवेज सेम होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस
इन ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी वेयर एस इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। अब इसको डायग्राम से देखते हैं। सबसे पहले वाला जो हमने फॉर्मूला देखा एरिया ऑफ ट्राइंगल का, और इसमें फ़र्क क्या है, इस ट्राइंगल में आपको हाइट दिया हुआ नहीं रहेगा। जब ट्राइंगल में आपको हाइट दिया हुआ रहता है तब आप क्या करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन अगर आपको ट्राइंगल में हाइट नहीं दिया हुआ है तब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इस फॉर्मूले को बोलते हैं हिरॉन्स फॉर्मूला। नाउ सबसे पहले इसमें हमको क्या निकालना पड़ता है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब सारे जो साइड्स है ट्राइंगल के, जो तीन साइड है उनका सम करके डिवाइड बाय टू कर देंगे आप तो आपको सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा, मतलब एस का वैल्यू मिल जाएगा, और उसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट एस इन ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। चलते हैं अब नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। नाइन्थ फॉर्मूला है एरिया ऑफ सर्कल का। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, वेयर पाई इज इक्वल टू 22 अपॉन 7 और 3.14। अब डायग्राम में देख सकते हैं एक सर्कल है, OA आपका रेडियस, रेडियस का वैल्यू दिया रहेगा, आप फॉर्मूले में पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर कर देंगे आपको एरिया ऑफ सर्कल मिल जाएगा। टेंथ फॉर्मूला है एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन 4 इंटू साइड स्क्वायर। अब डायग्राम में देख सकते हैं ए बी सी एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसके तीनों साइड सेम है, जिसे हम क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो अभी फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन 4 इंटू ए बी स्क्वायर। मैंने ए बी स्क्वायर क्यों लिया है, आप कोई भी साइड ले सकते हैं क्योंकि तीनों साइड क्या होता है, सेम। आई होप आपको ये पूरे 10 फॉर्मूले अच्छे से समझे होंगे। एक फॉर्मूले काफ़ी इम्पॉर्टेंस है आगे की स्टडी के लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मैथ्स के अगला बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। ओके।